आज की वीडियो आपकी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ती है उसको रिलेटेड है कि टफ नीचे चला जाता है, इसकी क्या वजह है। व्यूअर्स, इससे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपकी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ती है उसको रिलेटेड है कि टफ नीचे चला जाता है, इसकी क्या वजह है। व्यूअर्स, इससे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मे भी जो है टाइम टू टाइम मेरे न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं, तो उनको फिर भी फेस करने की जरूरत पड़ रही है। तो मैं आपको बताती कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टप इस वक्त ऊपर की तरफ है। क्या होता है कि जब आप इसमें पानी भरता है, टप के अंदर आप इसके अंदर कपड़े डालते हैं, तो टप क्या होता है, 1 से 2 इंच वो नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि वेट होने की वजह से। और जैसे आपका पानी ड्रेन ऑफ होता है, आप कपड़े बाहर निकालते हैं, तो ड्रम जो है ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आप इसमें घबराए नहीं, ये कोई घबराने की बात नहीं है कि जब आप इसमें कपड़े डालते हैं और जब मशीन में पानी आता है तो ड्रम नीचे चला जाता है, और फिर उसके बाद जो है जब आप कपड़े निकालते हैं, पानी ड्रेन ऑफ होता है, तो ड्रम वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल थिंग कि ड्रम ने नीचे ही चला जाना है। जब इसके अंदर पानी और कपड़ों का वेट होगा, तो वेट होने की वजह से वो नीचे की तरफ थोड़ा चला जाता है और वहां जाके मूव करके अपना वर्क कर रहा होता है। और जब इसके अंदर वेट कम हो जाता है, हल्का हो जाता है ड्रम, तो ड्रम वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल मत घबराएं कि जी जब मैं कपड़े डालती हूँ या मशीन, तो ड्रम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जब कपड़े निकाल लेती हूँ तो ड्रम ऊपर की तरफ आ जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके इस क्वेश्चन से ये है कि बहुत सारों को प्रॉब्लम जो है ये जो फेस करनी पड़ी होगी वो हल हो जाएगी। थैंक यू सो मच कि आप कमेंट करते हैं, और इस तरह से बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो देखने वाले हैं, उनको ये हेल्प हो जाती है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो क्या वाकई ये प्रॉब्लम है, इससे घबरा जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये जस्ट वेट होने की वजह से, क्योंकि कपड़े और पानी का वेट होता है, उसकी वजह से ड्रम नीचे चला जाता है। जितना ज्यादा इसके अंदर कपड़े होंगे, जितना ज्यादा इसके अंदर पानी होगा, ड्रम उतना ज्यादा नीचे चला जाएगा, और जितने कम इसके अंदर कपड़े होंगे, जितना कम इसके अंदर पानी होगा, ड्रम उतनी ऊंची सतह पर ही रहेगा। और जब आप इसमें से पानी भी ड्रेन ऑफ हो जाएगा, कपड़े भी बाहर निकाल लेंगे, तो ड्रम वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।